प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। अरे सब ने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना, अपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जत करा रहे हैं कि जय। अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतिक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सब ने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना, जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड चटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड चटाना, छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जत करा रहे हैं कि जय। अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या, लेकिन आपके आपके आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगी, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम, जय फलस्तीन, वो बोल दीजिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए, अब क्या, चलो बस बस बस।